भारत सरकार ने 1 मई से कोविड 19 टीकाकरण के तीसरे चरण की रणनीति की घोषणा कर दी है। अब 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग टीका लगवा सकते हैं। सरकार ने टीकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अन्य देशों में आपात इस्तेमाल के लिए अधिकृत विदेश निर्मित कोविड टीकों को मंजूरी देने की प्रक्रिया तेज की है। सरकार ने कहा कि टीका निर्माताओं को उनकी 50% तक आपूर्ति पूर्व घोषित दाम पर राज्य सरकारों और खुले बाजार में बेचने का अधिकार दिया गया है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में टीकों की खरीद और टीका लगवाने की पात्रता में ढील दी जा रही है। टीका निर्माताओं को उत्पादन और बढ़ाने के लिए नए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माताओं को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। राज्यों को टीका निर्माताओं से अतिरिक्त खुराक सीधे खरीदने का अधिकार केंद्र ने दे दिया है। स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले लोगों, 45 साल से अधिक उम्र के लोगों समेत प्राथमिकता वाले समूहों को दूसरी खुराक देने में प्राथमिकता सरकार देने जा रही है। भारत सरकार के केंद्रों में टीकाकरण पहले की तरह जारी रहेगा। पहले से तय आयु सीमा के लोगों को फ्री में टीका लगाया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बाकी के वो सारे लोग जिनकी उम्र 45 से ऊपर है। निजी अस्पतालों को कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति विशेष रूप से भारत सरकार के चैनल से 50% आपूर्ति के अलावा अन्य जगहों से कर सकेंगे। निजी टीकाकरण प्रोवाइडर्स पारदर्शी तौर से खुद से टीकाकरण के मूल्य की घोषणा करेंगे। इसके माध्यम से सभी वयस्कों के लिए पात्रता खोली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।